विश्व के खूबसूरत जीवों में से एक खरगोश बेहद ही खूबसूरत व चंचल जानवर है। विश्व के कई देशों में आमतौर पर पाए जाने वाला ये जीव दिखने में बेहद खूबसूरत व छूने पर मखमल के जैसा महसूस होता है। खरगोश जंगली जानवर होने के साथ साथ पालतू जानवर भी कहलाता है, क्योंकि भारत समेत कई देशों में इस जानवर को पाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी खूबसूरत जीव से संबंधित है। आज हम आपको खरगोश से जुड़े बेहद ही रोचक तत्व बताएंगे, जो आज से पहले शायद ही आपने कहीं देखे और सुने होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर फर्स्ट, खरगोश स्तनपाई जीवों में आने वाला एक खूबसूरत जीव है और ये लेपोरिडी परिवार का सदस्य है। उदाहरण के तौर पर चमगादड़ व गधा भी स्तनपाई जीवों की श्रेणी में आने वाले जीव है। फैक्ट नंबर सेकंड, खरगोश सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले जानवरों की श्रेणी में आता है और ये अक्सर समाज बनाकर व समूह में रहते हैं। फैक्ट नंबर थर्ड, दुनिया के आधे से ज्यादा खरगोश उत्तर अमेरिका में रहते हैं और ये जमीन में घर बनाकर रहते हैं, जिसे आम भाषा में बिल कहा जाता है। फैक्ट नंबर फोर, खरगोश के जमीन में बने बिलों के समूह को बरेन कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, खरगोश से ऊन भी प्राप्त की जाती है और इस ऊन का नाम अंगोरा ऊन होता है। फैक्ट नंबर फाइव, खरगोश के कान लगभग 4 इंच तक लंबे होते हैं और उनमें याद रखने की गजब की शक्ति होती है, अर्थात इनकी मेमोरी पावर कमाल की होती है। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आप जानते हैं खरगोश का बच्चा पैदा होने के 11 दिन बाद अपनी आंखें खोलता है और ये 14 दिन बाद अपने आप ही अपना भोजन खाने योग्य हो जाता है। फैक्ट नंबर सेवन, आपको जानकर हैरानी होगी, जब खरगोश पैदा होता है तो उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होता। खरगोश भोजन में फल फूल नट इत्यादि खाने वाला जीव है और ये शाकाहारी होते हैं। फैक्ट नंबर एट, एक स्वस्थ खरगोश के 2 साल में एक बार बाल जरूर गिरते हैं और नए बाल उग जाते हैं। फैक्ट नंबर नाइन, क्या आप जानते हैं खरगोश की अब तक केवल 8 प्रजाति को खोजा जा चुका है, जिनमें से लोपा प्रजाति विश्व में सबसे खूबसूरत प्रजाति मानी जाती है। इस प्रजाति के खरगोश आमतौर पर सफेद रंग के होते हैं और इनका रंग बहुत हद तक सफेद बतख से मेल खाता है। फैक्ट नंबर 10, खरगोश का जीवन काल लगभग 9 से 12 साल के बीच होता है और इन्हें भिन्न भिन्न तरह की आवाजें निकालने में भी महारत हासिल है।